नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में, और जिसमें हम बात करेंगे कि देश के मन में क्या है इस समय। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले ये मेगा पोल है जो देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विधानसभाओं में ये समझने की कोशिश की गई है कि मतदाता के मन में क्या चल रहा है, किसके पक्ष में वो अपना मत करने वाला है। इन सब पर विस्तार से हमने किया है और बहुत डिटेल्ड कवरेज इसमें किया गया है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो हम पोल लेकर आए हैं, ये बहुत ही बड़ा मेगा पोल है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की गई है। देश के 21 राज्यों को हमने शामिल किया है, उसके आंकड़े हमने जुटाए हैं। इन 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों को कवर किया गया है, यानी हमारी टीम ने लगभग 95% लोकसभा सीटों तक ये काम किया है। वहाँ के लोगों से बातचीत की, वहाँ के मतदाताओं से बातचीत की है। ये सर्वे 12 फरवरी से 1 मार्च के बीच में किया गया है। हमने 1,18,000 से ज़्यादा लोगों की राय ली है और हर लोकसभा की कम से कम 3 विधानसभा सीटों तक हम पहुँचे हैं, वहाँ के मतदाताओं से हमने बातचीत की है। और इस सर्वे में 11 स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया, यानी अलग अलग हिस्सों में हम गए तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसको हमने शामिल किया, उसके मतदाताओं से बात किया और ये डायरेक्ट संवाद से बातचीत की गई है। इसकी एक और ख़ास बात थी कि हर इंटरव्यू को हमने जियो टैग किया है, यानी जो जहाँ है वहीं उसे होना चाहिए था। जियो टैगिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया गया है इस पूरे सर्वे में, जिससे ये सर्वे रिप्रेजेंटेटिव बने, जेंडर का रिप्रेजेंटेशन हो, अलग अलग इनकम ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज का रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे इस मेगा पोल में ज़्यादातर चीज़ें कवर हो पाएँ और ये हमने कोशिश की है। तो इस पोल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय देश के मन में क्या चल रहा है। पोल में जाऊँ से पहले आपको मेहमानों से परिचय कराता हूँ। आज हमारे साथ इसमें चर्चा में जुड़ेंगे कौन कौन से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश त्रिपाठी जी होंगे, कांग्रेसी प्रवक्ता सुजाता पॉल, RJD के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, अकुश श्रीवास्तव जी, सी वोटर के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय बत्रा और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। तो ये है पूरी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में जो सबसे पहला राज्य जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो उत्तर भारत का राज्य है बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ हाल फिलहाल में बहुत राजनीतिक घटनाक्रम बदले, लेकिन उसके अंदर लोगों के मन में क्या चल रहा है, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। NDA यानी BJP प्लस उनके साथी जो हैं उनको 38 सीटें मिल सकती हैं। संभावना यह है कि 40 में से 38 सीटों पर NDA जीत दर्ज करेगी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा सकती हैं, अन्य के खाते में शून्य है। मतदाता प्रतिशत देखिए ज़बरदस्त उछाल है इसमें, 58% लोग NDA गठबंधन की तरफ वोट करना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के लिए 28% वोट जाता हुआ दिख रहा है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में NDA गठबंधन की 39 सीटें थी, इस बार एक कम 38 है, लेकिन वोट परसेंटेज में बहुत शार्प राइज देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमने सवाल पूछे थे कि किस किस तरीके के लोगों की मूड है, क्या देख के वो वोट कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, ये सब हमने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन ये नंबर काफ़ी बड़ा है, 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल बिहार में जीत सकते हैं और इंडिया गठबंधन के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आते हुए देखने को मिल रही हैं। क्विकली एक रिएक्शन इस पर लेते चलते हैं। बिहार पे जो भी हम चर्चा करेंगे उस पर हम लोग बातचीत भी करते चलेंगे, अपने मेहमानों के पास चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ताज़ा मूड ऑफ द नेशन हमें देखने को मिल रहा है उसकी परिस्थिति है। राकेश त्रिपाठी जी, खुश होंगे आप, 58% वोट और 38 सीटें, जबकि अभी बहुत सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है पूरा पूरी तरीके से। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन मुद्दों का बंटवारा जरूर हो गया है। मुद्दे कौन से जनता के बीच में जाने वाले हैं, प्रतिपक्ष कौन से मुद्दे लेकर के जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का NDA कौन से मुद्दों को लेकर के जा रहा है, ये मुद्दे जनता के बीच में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आज राहुल गांधी की पूरी राजनीति केवल जाति जनगणना के इर्द गिर्द ही घूम करके रह गई है और उनके जिनको लगता था कि जिससे सबसे बड़ा समर्थन है ये पूरा जो इंडिया अलायंस बनाया है इसके जो विश्वकर्मा थे वो नीतीश कुमार जी आज NDA के साथ वापस लौट आए हैं।
बदली हुई परिस्थितियां हैं, ये 2019 जैसी परिस्थितियां हैं, बल्कि उससे बेहतर परिस्थितियां हैं। आपके सर्वे के हिसाब से एक सीट का हमें लॉस दिखाई दे रहा है 2019 के परिणाम के हिसाब से, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस बार राज्यों में इस बात की होड़ है कि हम कैसे 100% परिणाम दें, वैसे परिणाम जैसे परिणाम गुजरात से आते हैं, जैसे परिणाम दिल्ली ने दिए हैं, जैसे परिणाम हिमाचल से आए हैं, जैसे परिणाम उत्तराखंड से आए हैं। इस बार ये होड़ सभी राज्यों में, उन राज्यों में जहां कहीं कुछ कम रह गया था, जैसे बिहार पिछली बार एक सीट कम रह गई थी, मध्य प्रदेश जहां केवल एक सीट कम रह गई थी, उत्तर प्रदेश जहां हमने 2014 में 73 सीटें पहले जीती थी, बाद में गठबंधन सपा बसपा का होने के कारण हम 66 सीटें ही केवल जीत पाए थे। तो इन राज्यों में आज इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि हम भी 100% रिजल्ट देना चाहते हैं, सारी की सारी सीटें जीतना चाहते हैं, और इसलिए बिहार की के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए, हमारे गठबंधन के नेता सब मिलकर के इस बात के लिए प्रयासरत है कि किशनगंज की जो बची हुई सीट थी जो 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, हम उसे भी इस बार जीते, और हमें पूरा विश्वास है। आपका सर्वे कम से कम उस तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है। ओके, सुजाता पॉल जी, क्विक रिएक्शन आपका। इंडिया गठबंधन को बिहार में मात्र 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, 28% वोट के साथ केवल 2 सीटें। सुजाता जी, ये जरूर कहूंगी कि आपका सर्वे जो है वो 2 सीटों के साथ 28% वोट दिखा रहा है, लेकिन हो सकता था कि आप उसको 10% दिखाते या 5%। लेकिन ये जो आपका सर्वे है, देखिए जिस तरीके से सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू रही, और उसके बाद उनका गठबंधन टूटा, उसके बाद पलटू जी ने पलट दिया, और उसके बाद आ गए वो हमारे गठबंधन के साथ। लेकिन आज जब जनता वहां की पूछ रही है कि जो नौकरियां थी, जो सपने आपने दिखाए थे, वो तो नहीं दिए, लेकिन जब उन्हीं लोगों से पूछ के तो सुजाता जी 10% या 35% दिखाने का हमारा कोई उद्देश्य थोड़ी, हम तो उन्हीं लोगों से बात करके आधार पर ये सर्वे किया गया। सर्वे पे आप सवाल उठाते हैं हमेशा, जिसको कब सीटें आती वो कहता है सर्वे सही नहीं है, आपको 10% या 35% देखा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। हाँ। उसके तो बीच में आप बोलेंगे ही, लेकिन इतना लंबा वक्तव्य अभी भाजपा के प्रवक्ता ने दिया तब आपने नहीं रोका, मेरे को भी पूरी बात बोल लेने देते, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जो भी कहें, आप सवाल बाद में भी उठा सकते हैं, आपने पूछा सवाल जवाब तो देने दीजिए। सच्चाई ये है कि जहां पर पेपर लीक हो जाते हैं और जहां बच्चों के ऊपर लाठियां डंडे भांजे जाते हैं, उस राज्य की हम बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरे राज्यों की बात ही नहीं करूंगी मैं। पेपर लीक एक ऐसा मामला है जो जिससे युवा आज त्रस्त है, और अगर उनको उम्मीद कहीं दिख रही है तो वो इंडिया गठबंधन का। जो जी जी सुजाता जी, कई मेहमान हैं और एक राय लेते हैं। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजद के नेता है। नवल किशोर जी, सर्वे के हिसाब से केवल 2 सीट आप लोगों को मिलती हुई दिख रही है आपके इंडिया अलायंस को। देखिए, मैं सर्वे पे तो सवाल कुछ नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इस मेहनत से एक दल और गठबंधन बहुत खुश भी होगा। लेकिन जो बिहार से दृश्य आ रहे हैं, और जिसमें आपने देखा होगा कि जनविश्वास रैली हुई, जहाँ तहाँ हमने रोड शो किया, हमारे नेता जो जनता के बीच रहते हैं, उन्होंने उनके लिए लोग ने 2-2 बजे रात तक खड़े रहे, इंतजार करते रहे। और जब 3 मार्च को रैली होती है तो आपने देखा होगा पूरा पटना पट गया वैसे वैसे लोगों से। तो आप अगर उनके समर्थन पे सवाल उठाते हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दूसरा बात भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे एनडीए को तो 39 सीट मिली थी, अब जनता तो पूछ रही है कि 39 सीट जो हमने दिया उसके बदले में आपने हमें क्या दिया। रोजगार के नाम पे 17 साल में आपने कुछ नहीं किया, जो विशेष राज्य का दर्जा कहते थे उसमें आपने कुछ नहीं किया, जो आप कहते थे कि हम जातीय जनगणना कराएंगे तो जब केंद्र में तो आपके कराना नहीं था, जब हम यहाँ पे बिहार में करा रहे थे तो आपने कौन सा ऐसा हथियार नहीं अपनाया जिसे रोका जा सकता है। आपने ये भी देखा कि महागठबंधन की सरकार ने जी, नवल किशोर जी रुकिए, आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक दिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं ना, ये सारे सवाल हमने पूछे हैं, जैसे स्क्रीन पे आपके ग्राफिक अभी दिखाते हैं कि ये आरक्षण वाली बात जो आपने कहा ना, जाति जनगणना, उसका अल्टीमेट गोल था कि आरक्षण मिले, उसमें 45% लोग कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए, ये उनका जवाब था। 50% से कम होना चाहिए, ये जवाब देने वाले 19% लोग थे। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, सिर्फ 13% लोग कह रहे हैं।
तो ये सवाल पूछे गए, उसके बाद उनका जो उत्तर आया है उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि कितनी सीटें और कितना वोट परसेंटेज। जो तीन महत्वपूर्ण सवाल भी हमने रखे कि इस लोकसभा चुनाव में किस बात पर, किस थॉट प्रोसेस पे लोग अपना मतदान करना चाहते हैं, तो आज भी मोदी जी की लोकप्रियता सबसे टॉप पर है, हर इश्यूज से सबसे बड़ी दिख रही, क्योंकि शायद उनके प्रति विश्वास हुई। वो ग्राफिक लेके आइए जिसमें उनको दिखता है कि जब ये सवाल पूछा गया कि आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि वो मोदी जी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और उसके आधार पर वो इंडिया की बजाय एनडीए अलायंस को, एनडीए गठबंधन को मतदान करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं जो आप सवाल करें वो सवाल हमने पूछे नहीं। नवल जी संक्षेप में, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जो सवाल पूछे हैं वो सवाल पूछने लायक थे ही नहीं। जो लोग 39 सीट लेकर गए थे, आपको पूछना चाहिए था कि जिनको आपने 39 सीट दिए उन्होंने आपके लिए क्या किया, किन आधार पे आप उनको वोट देना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं महागठबंधन के, जो राज्य में सरकार मात्र 17 महीने में 17 साल के बनाम में इतना ज्यादा काम करके दिखाया, उसके काम पूछते हैं कि जो नौकरी दी है बिहार ही नहीं पूरे देश में जो नौकरी दी है बिहार सरकार ने, उससे आप खुश हैं कि नहीं। आपको 99% लोग बोलते हैं कि हम खुश हैं उससे। ये सर्वे भी हुआ है जिसमें पूछा गया है। आप जब सवाल ही उसी तरह के पूछेंगे तो फिर जवाब तो मिलेंगे ही। आपको पूछना चाहिए था कि जो 10-20 करोड़ नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किए थे 2014 में, क्या आपको मिले, आप खुश हैं उससे। देखिए सवाल तो पूछना आपका आपका अधिकार है। और अरे नवल जी रुकिए ना, आप लोग ना, आपको ऐसा लगता है कि हम सर्वे करने जाते हैं तो हम सवाल नहीं पूछते। नहीं, आप शायद आपके सामने स्क्रीन में नहीं होगा सारे वो सवाल जो आप इस समय हमसे पूछ रहे हैं, हम वो सारे सवाल पूछने के बाद ही उस निष्कर्ष पे निकलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर या उनकी बातचीत पे वोट करते हैं, 89% लोग उससे कन्विंस्ड हैं। सर कामकाज पे पूछा, अलग अलग चीजों पे हमने सवाल पूछे। अरे मुझे मालूम है आप भी कन्विंस्ड हैं, छोड़ दीजिए। नहीं, ये एक नवल जी ना, देखिए ये बहुत एक कन्विंसिंग हो जाता है, कुछ ना मिले तो सर्वे गलत है, और सर्वे भी मानो तो एंकर गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी खुश हो, क्योंकि हमको अगर ऐसा ही होता तो हम 39 सीट दिखाते ना, कम से कम एक और बढ़ा लेते, पिछली बार की बराबरी कर देते, 38 आई तो 38 आई ना। अच्छा रुकिए एक बार, और मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं उसमें से। अंकुश श्रीवास्तव जी, बिहार का ओपिनियन पोल कह रहा है कि 38 सीटें एनडीए को और 2 सीटें सिर्फ इंडिया अलायंस को। देखिए पिछली बार से तो एक सीट कमी दिखा रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी मेरे ऊपर आरोप लग रहा है जो हाला हाँ फिर भी लग रहा है आरोप तो आपका काम है, दूसरों का काम है, और विपक्ष के लोग जो है उनको ये मैं अक्सर एक फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ, दे आर पेड फॉर दिस। वो अपना काम अपनी तरीके से अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, या पक्ष के नेता जितने भी हैं, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो दोनों का। कभी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहने जा रही है कि हम जो है बहुत कम सीटें लाएंगे, या वो हमेशा ही कहेगी 40 सीटें लाएंगी, वो अपना कहना ही है, उनका काम है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ाना ही उनका काम है। लेकिन सवाल ये है, एक तरफ सरकार का कामकाज होता है, दूसरी तरफ विपक्ष का कामकाज होता है। आज पूरी देश में एक सबसे बड़ी बात है कि क्या विपक्ष ने अपना काम किया, क्या विपक्ष के मुद्दे, जो बहुत बड़े मुद्दे आपके सर्वे में दिखाए गए, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या इस पर कितनी आवाज़ उठाई गई है। आज से 10 साल पहले अगर यही हंगामा होता था तो सुषमा स्वराज से लेकर न जाने कितने नेता तक रसोई गैस लेकर के सड़कों पर होते थे, बेरोजगारी को लेकर न जाने कितना बवाल होता रहा है, हुआ हो, मिला हो रोजगार, ना मिला हो, ये दूसरा सवाल है। तो बिहार के लोगों की अस्मिता, बिहार के लोगों का जो उनका दबाव था वो कितना आपने आगे बढ़ाया। विपक्ष ने अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष में काम नहीं किया तो विपक्ष ने उसको कितना उजागर किया। मुझे लगता है ये अगर हम समझने लगेंगे तो स्थितियां ठीक हो जाएंगी, हम समझने में आसानी होगा, और नहीं तो दूसरे में सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाएंगे, यही होगा मुझे। जी मैं एक राज्य और ले लेता हूँ, मध्य प्रदेश का भी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं, उस पर रिएक्शन लेते रहेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे राज्य कवर करने हैं, तो थोड़ा जल्दी दिखाते हैं। अभी मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, 28 सीटें एनडीए को मिलने की हमारे सर्वे के हिसाब से संभावना है, और वोट परसेंटेज जो है 55। इंडिया अलायंस को एक सीट, वो मेरे ख्याल में पिछली बार की जैसा ही है कि एक गई थी नकुल नाथ के फेवर में, 38% वोट शेयर है, अनेक खाते में 7% दिख रहा है। ये नतीजा बिल्कुल पिछले बार की
लोकसभा चुनाव के परिणाम जैसा दिख रहा है, मध्य प्रदेश में भी तस्वीर यहाँ पे भी बहुत रोबस्ट है, और यहाँ पे भी हमने वो सारे सवाल पूछे जो आप लोगों के मन में कि ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा, कामकाज पे, मुख्यमंत्री से, केंद्र की स्कीम्स पे, सब पे सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। राजेश बादल जी, दो परिणाम हमने आपके सामने दिखाया, एक मध्य प्रदेश का भी दिखाया, एक बिहार का दिखाया, सम्मिलित रबाब आपका सर। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि जब बीते दिनों 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और इसके बाद ये फाइनल यानी लोकसभा के चुनाव की दशा और दिशा काफी हद तक तय कर देंगे। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इन चुनावों के जो नतीजे आए थे उससे भारतीय जनता पार्टी तो आसमान में है, बल्ले बल्ले है, उसकी हौसला बहुत बढ़ा है। और उस आधार पर देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त अभी तक बनाई हुई है, लेकिन अभी 1.5 से 2 महीने हैं। कभी अभी सारे राज्यों के कैंडिडेट्स का, मतलब बिहार में और मध्य प्रदेश में जो हम बात कर रहे हैं, अभी कैंडिडेट्स नहीं आए, और हमने बीते 40-45 वर्षों में देखा है कि जो मुद्दे होते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल महत्व रखते हैं, लेकिन कई दफे स्थानीय चेहरे भी महत्व रखते हैं। तो स्थानीय समीकरण होते हैं, सामाजिक समीकरण होते हैं, राजनीतिक समीकरण होते हैं, लेकिन इसमें कोई हिचक नहीं कि मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी बढ़त एनडीए के पास है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि एक सीट मध्य प्रदेश का जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो अभी कुछ कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित किए हैं उसमें एकदम कुछ चौंकाने वाले नए नाम हैं। संभव है कि वो एक सीट या दो सीट कोई दूसरे हों और जो आपके सर्वे में आए हैं हो सकता है कि वो ना हो एक सीट। जी जी जी, इस पर और राय लेते हैं। यहाँ पे सज्जन कुमार जी मेरे साथ रहेंगे और कार्तिकेय हैं। सज्जन जी, दो स्टेट हमने आपको विस्तार से दिखाए और स्क्रीन पे बाकी और राज्य हमको अभी कवर करने हैं टाइम के हिसाब से, वो हमने आपको एक साथ दिखाए हैं। लार्जली एनडीए अलायंस भारी बढ़त बना रहा है, भारी बढ़त। आप दो राज्यों को डिटेल में देखें, बाकी राज्य भी आपको सामने रखता जाऊंगा मैं। तो मध्य प्रदेश में एक सीट सिर्फ कम हो रही है और बिहार में दो। इसके अलावा देखिए साउथ में अभी हम लोग बातचीत करेंगे एनरोड कैसे वहां पे हो रहा है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी को और उसके सहयोगी को मिल सकती हैं। पंजाब में 3 सीटें एनडीए अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और 8 इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4। सज्जन जी जी, देखिए लोकसभा में परिणाम क्या होगा ये सर्वे कुछ नई बातें नहीं बता रहा है। लोग कॉमन सेंस के हिसाब से वही चीज मान के चल रहे थे, क्योंकि आप जाए तो कहते हैं कि भाई हवा का रुख क्या है, माहौल कैसा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। और विधानसभा चुनाव के समय कम से कम धारणा में लग रही थी कि कुछ चुनौती शायद बीजेपी को है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपोजिशन को धराशायी किया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसमें एक चीज देखिए जो कि बिल्कुल समझने वाली बात है, बिहार में अगर आप देखें तो एक सीट हो, दो सीट हो, तीन सीट हो, वो हो सकता है, कभी कभी वोट परसेंटेज और सीट का मामला उलट पुलट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पे कांग्रेस तो कोई प्लेयर ही नहीं है, 89 के बाद उनका आधार ही खत्म है, तो कुल मिला के राजद अकेली लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर आप उनका वोट परसेंटेज देखें, केवल 28%, तो ये दिखता है कि उनका जो माय इक्वेशन, जिसको कि कोर मान के चल रहे थे, तो विधानसभा में तो शायद माय इक्वेशन ट्रांसलेट कर जाता है, लेकिन लोकसभा में ऐसा दिख रहा है जो मुस्लिम यादव माई समीकरण का वाई जो है उसमें से भी एक तबका जो है कम से कम टूट रहा है, जो कि यूपी में भी हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में आप देखें तो यादव समाज का भी एक वर्ग जो है बीजेपी को वोट करता है। कारण है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, ये जो चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा वो आकर्षण है जिसकी कोई तुलना नहीं है बाकी पार्टी में। तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि बिहार में जो महागठबंधन है, पहले तो वो महा नहीं है क्योंकि केवल वो राजद वो लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा है कि वो अपने कोर को भी नहीं बचा रहे हैं। और तमाम आप जातीय जनगणना करवाएं या आरक्षण की बात करें, तो दूसरी बात ये भी समझ के आती है आपके सर्वे में है कि 45% लोग कह रहे हैं कि 50% का सीलिंग जो है क्रॉस होना चाहिए। अब 50% का सीलिंग क्रॉस होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि बिहार की जो जातीय संरचना है उसमें एक बड़ी संख्या जो है आरक्षण को 50% से बढ़ाने के पक्ष में है। लेकिन जब उनका राजनैतिक उनकी चॉइस को पूछिए तो उसमें वो बीजेपी की तरफ है। तो ये भी दिखाता है कि आरक्षण का मुद्दा
ओबीसी का मुद्दा, जनगणना का मुद्दा, ये सब बीजेपी के विरोध में नहीं जा रहा है। ये आप पुरानी 1990 मंडल के एक मिनट रुकिए, सज्जन देखिए इस ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, ये मैं और थोड़ा सा अपने ग्राफिक के जरिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग के साथ जवाब लिए कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सीलिंग टूटनी चाहिए और फिर भी वो एनडीए अलायंस को वोट करें, इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर है। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो ग्राफिक है देखिए, केंद्र सरकार और पीएम मोदी के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं, खुश हैं, 80% लोग सेटिस्फाई दिख रहे हैं, और अपने लोकल सांसद से जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनका, उससे 64%, तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा दिख रहा है। यानी जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोगों की तस्वीर एकदम साफ है कि अगर मान लीजिए कहीं कुछ कमी भी है तो वो पूरी वहीं से हो सकती है, इसलिए उनके नाम पे ट्रस्ट फैक्टर देखिए आप, 80% लोग मान रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे लोकप्रियता के सर्वे हम लोग दिखा चुके हैं। दूसरा ग्राफिक दिखाइए, अलग अलग इश्यूज पे जो हम लोगों ने बातचीत की नेशन वाइड की, लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है। दूसरा ग्राफिक चेंज करिए तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे लोग अपना मन बना रहे हैं इस पोल के मद्देनजर। दूसरे ग्राफिक में दिख रहा है आपको कि नौकरी पर 56% लोगों के दिमाग में एक फैक्टर है कि ये एक इश्यू होगा उनके दिमाग में। महंगाई 47% लोग और लॉ एंड ऑर्डर 46%। अब ये तीनों को हमेशा विपक्ष कहता है कि ये तीनों बड़े इश्यूज है और ये इश्यूज हमारे सर्वे में भी निकल के आ रहे हैं, इसके बावजूद ट्रस्ट फैक्टर कहाँ है? भ्रष्टाचार 31%, धर्म 26%, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास 25%। अगर इन सारे इश्यूज को आप एक साथ मिला भी दें तब भी वोट एनडीए की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर हमने आपसे कहा था कि लोकसभा में लोग कहाँ देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिल रहा है। कार्तिकेय, आप तो बहुत डेटा क्रंचिंग करते हैं, आप स्वयं भी जुड़े हुए एक सर्वे एजेंसी से, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, अभी हमने 3-4-5 राज्य ही डिटेल में डिस्कस किए, लेकिन स्क्रीन पर आपको 8-9 राज्य दिख रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए डायरेक्शनली नीरज जी वही डायरेक्शन वही है, आंकड़े प्लस माइनस हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बिहार में क्या 38-2 होगा, हमारा सर्वे कह रहा था 32-8, तो ठीक है प्लस माइनस 4-5 चलता है। अभी बिहार में सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्या जेडीयू की सीटें ज़्यादा कमज़ोर होंगी एनडीए के कॉन्टेक्स्ट में, क्या वहाँ पे इंडिया अलायंस के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो ठीक है एक ये है बात। हरियाणा में आप 10-0 दिखा रहे हैं, वो हमने भी 10-0 दिखाया, बट मेरा ये मानना है कि वहाँ कांग्रेस के पास 2-3 सीटों में ओपनिंग है, क्या उसे कन्वर्ट कर पाएगी ये देखना होगा। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, कंसिस्टेंटली वहां 28-1 ही आ रहा है और एक सीट आपने नाम भी ले लिया, तो क्या कांग्रेस वहां पर इस एक को 4 या 5 में कन्वर्ट कर सकती है कैंडिडेट्स अच्छे देकर, ट्राइबल सीटों पे फोकस करके? ये एक अहम सवाल है। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा आपके सर्वे में, तमिलनाडु और केरला में जो बीजेपी अपना अकाउंट खोल रही है, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर ऐसा होता है और मैं सर्वे को सही मान के चलूं, अगर मैं एक बार कोई रीजन नहीं है गलत मानने का, सही मान के चलूं अगर, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बीजेपी का मतलब कर्नाटक के बियॉन्ड साउथ में इसका एंट्री पॉइंट माना जाएगा। बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप हमें दे रहे हैं कि केरला और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को हम एक सीट मिल रही है आपके सर्वे के अनुसार, हो सकता है ये 1-3 हो जाए तो वहां पर भी, लेकिन मेजॉरिटी जो सीट्स है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रहेंगी, आपका सर्वे भी यही कह रहा है। तो जो सज्जन भाई कह रहे थे बहुत सारी चीजें ऑब्वियस हैं, लेकिन डायरेक्शनली सेम सही हैं, बट क्या इंटेंसिटी जो है उसकी एक्सटेंट जो है उस पर हम शायद सवाल एक आध खड़े कर सकते हैं जी। और कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद शायद थोड़ी तस्वीर और बदल सकती है, बट मोटा मोटी मुझे इसमें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा। एक जो आपका आंकड़ा आया कि मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति पिछले 5 साल में बेहतर हुई है, ये बीजेपी को अच्छा एक संदेश देगी, क्योंकि हमारे ट्रैकर्स में इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन लोगों का अगर ये मानना है कि उनकी स्थिति बेहतर हुई है, देखिए एक होता है स्थिति बेहतर हुई है या खराब, और फिर होता है आप क्या इस स्थिति पर आप वोट देंगे या नहीं, तो आप तो ये दिखा रहे हैं कि स्थिति खराब ही नहीं हुई, तो अगर ऐसा है तो वोट अगर उस पर जाएगा भी तब भी एनडीए के फेवर में जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं, मैं बस एक एनालिसिस दे रहा हूं आपको, सच्चाई तो हमें बाद में पता चलेगी, बट डायरेक्शनली परिणाम तो हमें मतदान के बाद मई में पता लगेंगे। ये ओपिनियन पोल है, लोगों के मन में क्या सुना, वो सारे इश्यूज आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं एक कमेंट जरा पॉलिटिकल लीडर से लेता हूँ। अभी हमने चर्चा की जब शुरुआत में, तो ये कहा गया कि बहुत सारे इश्यूज पे नहीं बातचीत की गई है। नवल किशोर जी,
आपके मन में जो भी सवाल था जो आपने रखा है सारे सवाल पूछे गए हैं और परिणाम आपके सामने। एक इशू बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जो इकोनॉमिक वाला था कि आर्थिक स्थिति सुधरी है, लोग ऐसा मान रहे हैं। आप कह रहे थे कि साहब ये है वो है, आप देखिए सर्वे कर रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये लोगों के बीच की बातचीत का है। नवल जी बहुत छोटा कमेंट, फिर सुजाता जी। बिल्कुल नीरज जी बिल्कुल छोटा। देखिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों की हालत सुधरी है और 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, नंबर एक। दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पे यही सरकार तीनों के कानून वापस लेती है और कहते हैं कि सरकार बहुत लोकप्रिय है, कैसे लोकप्रिय हो सकती है, फिर किसान को दिल्ली कुछ करना पड़ता है। तीसरा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड पे, पूरा देश को पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्दीक की है, आप किस आधार पे ये कहते हैं? मुझे तो लगता है ये ओपिनियन पोल है या ओपिनियन बनाने की कोशिश है, कहीं कहीं ओपिनियन को मैनिपुलेट करने का, लोकमत को मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी किया जाए, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाए तो फिर कोई सवाल नहीं पूछेगी, ये तो पहले से ही कहा जा रहा था। वो ऐसे लोकप्रिय हो सकते हैं जो 80 करोड़ लोगों को ये सब कठिनाई में डाल रहे हैं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए ना, 17 साल में अगर रोजगार उन्होंने दिया है, वित्त मंत्री ने खुद जाकर 2020 के चुनाव में 19 लाख रोजगार देने की बात की थी, 20 महीना में रोजगार के आंकड़े बता दे कि 20 महीना में उन्होंने क्या दिया था। 17 महीने का जो हाल है वो हम दिखा चुके हैं, लोगों बिहार की जनता उसको स्वीकार किया है, उसके समर्थन में सड़क पे ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पटना तक आकर समर्थन दिया है, उसको आप खारिज करके कहते हैं कि एक सीट दो सीट पे आ जाएगा, आप कह सकते हैं बिल्कुल एक तरीका है, और सर्वे का हम कोई मुखालफत नहीं करते हैं। आप मुझे सुना रहे हैं उसके बाद खेरे मुखालफत नहीं कर सकते। मैं तो बहुत नवल जी रुकिए ना, मैं बहुत इसको अच्छे स्पिरिट में ले रहा हूँ कि आप लोगों के काम में आरोप लगाना मैं ले लिया, कोई बात नहीं इससे, लेकिन इससे ना तो मेरी व्यू में कोई फर्क पड़ता ना लोगों के मन में, जो है वो मैंने ऑब्जेक्टिवली आपके सामने रख दिया। नहीं नहीं यही यही ना ये जो सोच है ना आपकी, यही दिक्कत पैदा करती है सुजाता जी। सुजाता जी आर्थिक इश्यूज के भी सर्वे हैं, इसमें के रिजल्ट्स हैं, इसमें परिणाम है, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है जो सर्वे में हम लोगों को निकल के जो हमको हम लोगों को एनालाइज करते दिखी कि ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई, जीरो एकदम आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन उन इश्यूज में अगर कहीं दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन भी वो करंट रिजीम से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इसका मूल है। सुजाता जी कमेंट, आपने अगर ये सवाल पूछा होता कि क्या अपनी समस्याओं का हल आप इसी सरकार से अपेक्षित आपको है, तब तो मैं इस बात को मान लेती। अच्छा दिखाओ भाई वो संतुष्टि वाला सवाल दिखाइए। नहीं नहीं दिखा, अरे सवाल आपने देखा नहीं सर्वे। सुजाता जी प्लीज, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि आप संतुष्ट कितना है, तो उन्होंने राज्य सरकार से, एमपी से और प्रधानमंत्री से, केंद्र की योजनाओं से कितना संतुष्ट, वो सब आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप कंटिन्यू करिए। या तो आप पहले सवाल पूरा पूछ लीजिए और या फिर आप मुझे बाद में बोलिएगा कि मैं बाद में बोलूं, आप डिसाइड कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूं। बोलिए बोलिए सवाल। अच्छा, के जवाब भी आप जो उठा रहे हो सामने स्क्रीन पे भी है। बिल्कुल, और मैंने तो आपके सर्वे पे सवाल ही नहीं उठाया था, इसलिए आपको तो मुझे और ज्यादा बोलने देना चाहिए क्योंकि मैं तो एनालाइज कर रही हूँ। क्योंकि आपने पूछा कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पे क्या आपने ये पूछा कि क्या इसी सरकार से आपको इस समस्या का हल मिलेगा, ये नहीं पूछा आपने। दूसरी बात ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि किन किन लोगों के नाम आए हैं और जो जो मुद्दे आज सामने आ रहे हैं उस पर लोग क्या कहेंगे, साथ ही अगर आज आप देखेंगे कि आदिवासियों के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए हम पहले ही कह चुके हैं, किसानों को पहली गारंटी दे चुके हैं, इसके बाद समस्याओं का हल कहां से मिलेगा, कौन सा अलायंस देगा, ये चीज लोगों के दिमाग में आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप अगले 10 दिन में भी करेंगे एक दूसरा ओपिनियन पोल तो भी आपको फर्क दिखेगा, और चुनाव आते आते आपको बहुत फर्क दिखने वाला है। क्योंकि जैसा किसी और ने भी कहा कि कैंडिडेट पे तो सवाल है लेकिन मुद्दों के या समस्याओं की का जो समाधान है वो किस ओर आपको ले जाएगा, ये दिशा निर्देश जो है ये लोगों को वहीं से मिलेगा जब गारंटी जो जुमलों का दूसरा नाम है वो सामने आएंगे, और सामने आएगा इंडिया अलायंस की गारंटी जो। जी 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 सुजाता जी रुकिए, अभी मुझे 2-3 मिनट के अंदर और भी चीजें डिस्कस करनी है, प्लीज थोड़ा सा छोटे छोटे रखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। राकेश जी अब तक जितने हमने राज्य कवर किए हैं, अभी कई और हम राज्य खोलने वाले हैं जो बड़े वाले हैं,
उसके हिसाब से आपकी स्थिति काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये आने वाले समय में आपके सामने बड़े चैलेंज आएंगे क्योंकि सीट शेयरिंग भी नहीं हुई। ये बात भी सही है, बिहार में भी आपकी पूरी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, महाराष्ट्र में आपकी पूरी सीट शेयरिंग नहीं हुई है राकेश जी, लेकिन कहीं किसी प्रकार का सीट शेयरिंग का कोई विवाद भी नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर के कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें लोगों का गठबंधन पॉलिटिक्स में भी, आपको अगर गठबंधन राजनीति के कोई इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में दिखाई पड़ेगा, जिसने सरकार बनाने के लिए अकेले नंबर होने के बावजूद भी अपने अलायंस पार्टनर्स को हमेशा साथ रखा है, विश्वास में रखा है और उनको सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है। आप इसके अलग अलग राज्यों में उदाहरण देख सकते हैं और केंद्र में भी उदाहरण देख सकते हैं कि अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होती है, बावजूद उसके परिणाम के बाद भी अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर के चलती है। बाकी हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनर्स उनको छोड़कर के चले जाते हैं क्योंकि उनकी पार्टी के नेता छोड़कर चले जा रहे हैं, तो अलायंस पार्टनर्स छोड़कर चले जा रहे हैं तो सामान्य सी बात है। जब आप संवाद नहीं करेंगे, अभिमान के साथ रहेंगे तो आपकी राजनीति इसी तरह से जाएगी। देखिए आपके इन सर्वे में जो बात निकल करके आई, जो जीवन स्तर लोगों का ऊंचा हुआ है, अभी मैंने सुना नवल जी कह रहे थे कि अभी 82 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए ना, उसमें सबसे बड़ा इस योजना को श्रेय दिया गया है कि जो आज लोगों के सीधे घर तक राशन पहुंच रहा है ना, इसका मतलब एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा खरीद हो रही है, किसानों से ग्राफिक आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। राकेश जी एक मिनट रुकिएगा, राकेश जी एक मिनट रुकिएगा, आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक चल रहा है जिसमें हम लोगों ने यह भी पूछा कि इंडिया अलायंस के बारे में, ये सवाल तो ना कि आपने विपक्ष के बारे में पूछा ही नहीं होगा कि एक ऑप्शन वो भी है। स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, क्या आप विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस के बारे में आप जानकारी रखते हैं? 56% लोग कहते हैं कि हाँ हमें उसकी जानकारी है। ऐसा नहीं कि वो अवेयर नहीं है कि देश में क्या विकल्प हो सकते हैं, कौन दूसरे लोग पार्टी लड़ रहे हैं। तो ये जो सर्वे बार बार सवाल कर रहे हैं इसको ना करें, ये सवाल उसी लिए हमने पूछा था, सामने रखा था। लेकिन दो, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, केरल और तमिलनाडु, जहाँ पे जिक्र भी हल्का सा कार्तिकेय ने भी किया था, एनरोड होता हुआ दिख रहा। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से तमिलनाडु और केरल दो टिपिकल साउथ स्टेट हैं जहाँ पे एनडीए एनरोड करता हुआ दिख रहा है। दोनों राज्यों में उसकी सीटें आती हुई दिख रही हैं हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, तमिलनाडु में भी और केरल में भी। अब इस एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं केरल में 18% वोट के साथ, इंडिया अलायंस को 14 सीटें 47% वोट और एलडीएफ जो उसमें अलग से उसको 4 35% वोट के साथ। तमिलनाडु को दिखाइए, उसमें भी एनडीए अलायंस जो है एनडीए को 5 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है। तमिलनाडु फायर करिए ना, तो उसमें भी आप देखेंगे तो वहाँ पे एक एनरोल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इससे पहले एक बार रामेश्वरम की सीट वो जीत चुके हैं, लेकिन इस बार और ज़्यादा सीटें आने की संभावना आती हुई दिख रही है। अब इसको बिग पिक्चर में डालते हैं, राजेश बादल जी, जिस तरह के ओपिनियन पोल्स हमें दिख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों अगर आप कवर कर लें, और साउथ की अक्सर आलोचना होती है कि बीजेपी तो साउथ में है ही नहीं, वहाँ तो उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से वहाँ पे अब उनको अच्छी दमदारी के साथ पहुँचने की स्थिति बनती हुई दिख रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि पैन इंडिया वेव है? देखिए पैन इंडिया वेव तो मैं अभी इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आचार संहिता अभी शुरू नहीं हुई है, लागू नहीं हुई है, चुनावों का ऐलान अभी होना बाकी है और उसके बाद 1.5 महीने का करीब करीब समय रहेगा। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चूंकि 10 वर्ष तक जो पार्टी सत्ता में रही हो उसको दक्षिण भारत में विस्तार करना इसलिए भी आवश्यक है कि जो सफलता जो कामयाबी उसको उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट में मिलती है उसमें 10 वर्षों का अगर कोई नकारात्मक वोट है तो उसकी भरपाई वो कहां से करना चाहेगी? यकीनन उसकी दक्षिण भारत से भरपाई करना चाहेगी। केरल में उसका संघ का प्रभाव हम देखते हैं कि संघ का प्रभाव है। तमिलनाडु में रामेश्वरम का उदाहरण आपने दिया, तो अब AIDMK की स्थिति क्या होती है ये भी आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। और मुझे जैसा कि मैं कह रहा हूं, तमिलनाडु में बहुत बड़ी बात होती है चेहरों पर नीरज जी, क्योंकि मैं तमिलनाडु में इलेक्शन कवर किए हैं कई बार, केरल भी किया है, पांडिचेरी भी गया हूं, लेकिन वहां जब तक चेहरे सामने नहीं आएंगे तब तक ये कहना मुश्किल होता है कि किसी पार्टी का कोई इतना जनाधार इतना पक्का है। लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि जो आपका सर्वे, जो आपने सर्वे की तकनीक बताई शुरुआत में, इतना व्यापक और गहन सर्वे अगर हुआ है तो अगर कोई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है खाता खोलती है तो यकीनन ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात है। जी मैं राजेश जी देखिए मैं यहाँ पे एक बहुत ऑब्जेक्टिवली आप सोच के देखिए, सारे लोगों को देखना चाहिए, जब त्रिपुरा में भारी विजय मिली थी बीजेपी को
क्या था क्या वहां पे कुछ उनका धुर लेफ्टिस्ट स्टेट था वहां पे, कितने सालों से माड़ी सरकार चल रही थी, माड़ी सरकार जी की सरकार चल रही थी, लेकिन वहां पे बीजेपी ने एकदम पलट दिया। तो ये सोचना कि साउथ में कोई है ही नहीं कभी, तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता, ये शायद अब पॉलिटिक्स में बदल गया है। कुछ वास्तव देखिए दक्षिण भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रयास या कोशिश क्यों करेगी, इनकेस अगर उत्तर भारत से कोई झटका लगता है तो फिर उसको दक्षिण भारत में चाहिए। और एक मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसको अखिल भारतीय तो होना ही चाहिए, तो दक्षिण भारत भी होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, तो दक्षिण भारत में अगर कोई उपस्थिति बनती है तो यकीनन ये अच्छी बात है। जी जी आकुश वास्तव जी, साउथ में बीजेपी या एनडीए कहें वो अपनी इनरोड बना रहे हैं, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, केरल की संभावनाएं अभी तक ज़्यादा हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ संघ का एक बड़ा आधार रहा है और धीरे धीरे वो बढ़ता रहा है, आप वोट परसेंटेज उनका लगातार बढ़ता रहा है, इस वजह से वो बहाव था। लेकिन इधर क्या हुआ है, केरल में वोट जो हैं वो एलडीएफ के पास धीरे धीरे कम होते चले गए और एक तरफा वो यूडीएफ के तरफ पास होते गए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हमको आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार अगर ये परसेंटेज बढ़ जाता है और 18% तक हो जाता है तो निश्चित रूप से एक बेल्ट में, चाहे उसमें तिरुवनंतपुरम हो या और जो सीटें हैं, उस पे उसका प्रभाव देखने को मिलेगा और वो वहाँ पर एक इनरोड उनका पहली बार ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। तमिलनाडु की जहाँ तक बात है, तमिलनाडु का क्योंकि बड़ा राज्य है और बड़े राज्य की वजह से कर्नाटक से मिलती सीमा या बाकी और जगहों से, वो वहाँ कुछ पॉकेट्स में और ख़ास तौर से जैसे त्रिचूर वाले वो जो जहाँ कपड़ा बेल्ट है उनकी, उसका इलाका वहाँ बताते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है वो। अब कितना है, कितना नहीं है, कितना निकल पाएगा, वोट परसेंटेज के खेल से जब तक वो बराबर का नहीं होता तब तक आप सीटें उसमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि परसेंटेज अभी कम है तो वो कुछ इलाकों में ही उसका प्रभाव। आपको सर एक मिनट रोकता हूँ आपको, मैं दिल्ली का आंकड़ा भी मेरे सामने आ गया है, 58% वोट शेयर है और 7 की 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में एनडीए के लिए। दिल्ली में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो पिछली बार की तरह ही यहाँ भी पूरी सीटें उन्हीं के फेवर में जाते हुए दिख रही हैं। अभी देखिए सुजाता जी फिर मेरे ऊपर गुस्सा होंगी, चलिए सुजाता जी पहले आप कमेंट आप ही करिए, दिल्ली में भी आपका अलायंस काम नहीं कर पा रहा है। आपके सोचने की बात है, लेकिन ये जरूर दिखाऊंगी कि भाई ये इतना समय आपने दिया था बीजेपी के प्रवक्ता को, 1 मिनट 21 सेकंड, और आपने उसमें बीच में नहीं बोला। अब बात कर लेते हैं कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो आंकड़े आपके हो सकते हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है वो मुझे आपको तब का भी याद दिलाना पड़ेगा जब लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो पता नहीं कितनी सीटें अपने दम पर वो लाने के लायक हो चुकी है। 2014 की बात कर रही हूँ दिल्ली में, मगर हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल करी वो भी हमारे सामने है। इसलिए ये ओपिनियन पोल ओपिनियन के ऊपर आधारित है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो मुद्दे हैं वो दिल्ली नर्व सेंटर है और वहां पर ये आंकड़ा बिल्कुल गलत साबित होने वाला है। जहां तक दक्षिण भारत की बात है तो मैं बादल जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस बार उत्तर भारत में उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, पूर्वोत्तर में भी उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है और इसी कारण से वो दक्षिण भारत में अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनके तमाम प्रवक्ता आते हैं वो यही बात करते हैं, लेकिन मैं तेलंगाना में 2-2.5 महीने से हूँ और मैंने देख लिया है यहाँ पर कि कितना भी परसेप्शन बिल्डिंग हो रहा है लेकिन जनता मुद्दों पे जा रही है और वो इस वक्त अगर किसी को चाहती है उसको जो उन्हें नौकरी दे, जो उनको महंगाई से जो है एक निजात दिलवाए। जी जी मैं रोकूंगा आपको सुजाता जी। कार्तिकेय भाई, साउथ में एनरोड आपने जिक्र किया था, दिल्ली में 7 की 7 है, ठीक है। जैसे जैसे और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश भी आने वाला है, वहाँ पे भी आएगा। क्या ये एक वेव चल रही है जिसको धीरे धीरे हम देखने की कोशिश करें? ये अभी जैसे सुजाता जी ने कहा कि ये आपका सर्वे है, पब्लिक का ओपिनियन नहीं है। अरे हमने तो नाम ही रखा मैम कि ओपिनियन पोल है, लोगों की हमारा क्या सर्वे है,
ओपिनियन हमने लोगों के लिए वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या एक वेव है क्या? क्योंकि साउथ में ये बहुत बड़ा इनरोड है। देखिए कर्नाटक टेकन है, वहाँ सरकार बनती है नहीं है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में एनरोड करना, वहाँ पे सीटें लाना, ये बड़ी बात है। एक बार आई थी लेकिन उसके बाद से फिर नहीं आई। क्या लगता है आपको, ये एक पैन इंडिया प्रेजेंस और पैन इंडिया एक वेव जैसी दिख रही है? नीरज जी, अगर केरल तमिलनाडु का जो आंकड़ा छोड़ दे, अभी तक जो आपने दिखाया है वो सब तो पिछले दो चुनाव में भी हो चुका है, तो वेव तो तब होती है ना जब कुछ दिख ना रहा हो सडनली आपके मुंह पे आके लगे। तो ये अब एक स्ट्रक्चरल, अभी भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया है। इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि जो बीजेपी का हिंदी हार्टलैंड पे डोमिनेंस है वो एस्टैब्लिश्ड है, और वो तब तक रहेगा जब तक कांग्रेस अपनी मैसेजिंग को बीजेपी की मैसेजिंग से एक सही टक्कर पे ना ला पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये वेव, क्योंकि वेव होता 14 का इलेक्शन वेव था कि भाई पता नहीं था क्या होने वाला, हो गया। ये आज सज्जन भाई ने कहा ना, ये सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। जो अनएक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया कि ये जो 5-6 सीटें केरल तमिलनाडु बीजेपी की आ रही है ये इंटरेस्टिंग है। बाकी जैसे आप दिल्ली कह रहे हैं 7-0, मैं अभी हफ्ते दो हफ्ते से कह रहा हूं कि दिल्ली में अलायंस का जो स्कोप है वो 2 सीटों में है। 2-5 का स्कोरलाइन अगर अलायंस कर लेता है तो वो एक अच्छी उनके लिए अचीवमेंट होगी। अदरवाइज बीजेपी की लीड बहुत ज्यादा थी 2014 या 2019 में। और मैं फिर कह दूं कि ये जो इलेक्शन है ये अगले साल जब असेंबली का होगा तो सिचुएशन एकदम उल्टी हो जाएगी। आप देखिएगा बिहार का अगले साल जब इलेक्शन होगा तब जो तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी होगी वो एकदम अलग होगी। उसका कारण ये है कि इंडिया अलायंस अभी तक एक नेशनल फॉर्मेशन की तरह बात नहीं कर पाया है। रैलीज में अटेंडेंस हुई है, मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन एक नेशनल प्रोग्राम नहीं है इंडिया अलायंस का, वो बीजेपी का दिखता है। स्टेट लेवल पे वही रीजनल पार्टीज अपना एक प्रोग्राम दिखा पाती हैं तो वो बीजेपी को टक्कर दे देती हैं। कांग्रेस की भी जो स्टेट इकाइयां हैं वो एक प्रोग्राम दिखा पाती है, तेलंगाना जैसा उदाहरण दिया मैम ने अभी, तो वो टक्कर दे देती हैं। नेशनल जो लेवल पे प्रोग्राम, अभी जो मेंशन किया कि आज अनाउंसमेंट्स हुई महिलाओं के लिए या ट्राइबल्स के लिए अनाउंसमेंट, रोज कुछ ना कुछ कांग्रेस की अनाउंसमेंट आ रही है। पहली बात तो मीडिया कवरेज उसकी बहुत कम है, उसके कुछ कारण होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, वो कांग्रेस के क्यों अनाउंसमेंट है, वो इंडिया अलायंस के अनाउंसमेंट होने चाहिए ना। आप जब रण में उतर रहे हैं अपनी टीम के साथ तो आप केवल अकेले अनाउंसमेंट करेंगे तो उसका असर कम होगा, पूरी टीम साथ में अनाउंसमेंट करेगी तो उस मैसेज की एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगी, तब लगेगा कि हाँ ये एक नेशनल फॉर्मेशन है, इनका एक एजेंडा, ये वाला है, सवाल इनके पास एक प्रोग्राम है। ये सवाल मैं जैसे सुजाता जी पूछूंगा वो कहेंगे नहीं ये इंडिया के ही है, या आपने अभी मैं पूछूंगा तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो इंडिया के ही प्रोग्राम है, जबकि कांग्रेस वाला, अभी देखिए 2 दिन पहले बंगाल में क्या हुआ, 42 सीटें अपनी अनाउंस कर दी उन्होंने, इवन अधीर रंजन जी की सीट में भी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, यूसुफ पठान को उतार दिया, तो ये समस्या तो वहां पे है। सज्जन कुमार, 2014 में अभी कार्तिकेय ने कहा कि वो एकदम से आके लगा तो एक वेव दिखी जिसमें बहुत सारे लोगों को दिख रही थी। 2019 में अगर थोड़ा सा टाइम मशीन पे पीछे चलें तो लोग 150-180 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं थे बीजेपी को, तरह तरह की पता नहीं क्या क्या नैरेटिव्स बन रहे थे, और वो 303 आई। क्या वेव है क्या, मेरा सवाल ये है। देखिए नीरज जी, अगर आप शब्दावली में थोड़ा परिवर्तन करें, एक समय था 2014 तक जब आप किसी से पूछे कि बीजेपी का अगर भारत का मानचित्र ले कोर रीजन कौन है तो कोई भी कहता कि हिंदी पट्टी है और सेंट्रल इंडिया है। अब आप चले जाएं पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात को ले लें कहीं, अब आप चले जाएं बंगाल और उड़ीसा की तरफ तो वहां पे देख ले तो जिस तरीके से बीजेपी ने 40% वोट के साथ बंगाल में और लोकसभा में 21 में 8 सीट उड़ीसा में, और अभी और वो बढ़ ही रहा है। अगर आप देखिए कि 1.5% वोट परसेंटेज था बीजेपी का त्रिपुरा में, 1.5% 2013 में था, 2018 में सीधा वो 43% होता है, उसके बाद असम में 2 बार विक्ट्री होती है, त्रिपुरा में 2 बार विक्ट्री होती है, बाकी जगह देखिए तो कोर, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है बीजेपी के लिए कि उनका कोर कौन है। पूरी सर्किल में कोई सेंटर नहीं, हर जगह उनका कोर है। और अभी आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में काफी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष है, और केरला में जो साउथ केरला और सेंट्रल केरला है उसमें ये काफी फोकस्ड मेहनत कर रहे हैं, और आरएसएस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शाखा वहां पे है। तो समीकरण के हिसाब से देखिए तो वेव, आप इसे कहें या ना कहें, लेकिन आप जरूर देखेंगे
कि आज के समय में ये कहना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी का कोर सेंटर कौन है इंडिया में, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, हिंदी पट्टी भी है, सेंट्रल इंडिया भी है, पूर्वी भारत भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है, और साउथ में भी ये एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये समग्र भारत जो है इनका अखिल कारण ये है कि एक तो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो काफी लोकप्रिय है और संगठन मजबूती से है, और हर जगह इनका जो सांगठनिक काम है वो केवल बीजेपी चुनाव के समय में मेहनत नहीं करती है, बीजेपी 4.5 साल जब चुनाव नहीं होते हैं हर प्रदेश में मेहनत कर रही होती है। और उसका कारण है कि जब आप तुलना करेंगे तो बाकी पार्टियां तो नींद से जगती हैं, उसमें चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर ले, राजद की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, ये तब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं जब चुनाव जो है 4-6 महीने पहले रह जाता है। बीजेपी तो हमेशा सांगठनिक काम करती है, तो ऐसी स्थिति में इसे वेव कहें या आप एक पैन इंडियन प्रेजेंस करें, बीजेपी केवल नंबर वन ही नहीं है, ये नंबर सेकेंड जो पार्टियां हैं वो काफी पीछे हैं। और इसका कारण वो बत्रा जी ने कहा कि भाई ना तो आपके पास वो नैरेटिव है और ना तो आपके पास उस तरीके का फुट प्रेजेंस है, ना तो आपके वर्कर सालों भर काम करते हैं, 5 साल में आप 2-3 महीने एक्टिव होते हैं, कोई एक बड़ा चेहरा प्रियंका जी राहुल जी वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद आप एक बहुत ही लोक लुभावन इशू उठाएंगे, आपको सिविल सोसाइटी के बहुत सारे रेडीमेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको एंडोर्स कर देंगे, मीडिया नैरेटिव में भी हो जाएगा, जनता इतना जल्दी मन नहीं बनाती। हिमाचल प्रदेश में भी 4 की 4 सीटें इन्हीं के फेवर में जा रही हैं नीरज जी, एनडीए के। नवल जी एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ, तुरंत आपके पास ही आऊंगा, बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, तुरंत वापस आते हैं जी। स्वागत एक बार फिर से आपका न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल 2024 लोकसभा के संदर्भ में, और अब तक हमने कई राज्यों की बात की कि वहां क्या क्या स्थिति बन सकती है, किसको क्या सीट्स मिल सकती हैं, कुछ ही मिनटों के इंतजार है, उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सीटों को हम एनालाइज करेंगे कि वहाँ क्या परिस्थिति बन रही है, बहुत थोड़ा सा इंतजार करिए। तब तक इस बीच में एक एक कमेंट ले लेते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। नवल जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बताइए। हाँ देखिए नीरज जी, मैं तो ओपिनियन पोल की अजब अजब पोल की गजब कहानी सुन रहा हूँ कि अगर ये सरकार इतना ही लोकप्रिय है तो पूरा 5 साल प्रचार करने की जरूरत क्या है, चलिए पॉलिटिकल पार्टी है तो कर भी सकती है, उसके साथ में विश्व की ये विशाल संगठन आरएसएस कौन से फायदे के लिए वो काम कर रही है, चलिए वो भी अगर काम करती है तो मान लेते हैं, तो उसके बाद ये दल के नेताओं को तोड़ने का काम क्यों करते हैं, उससे भी अरे रुक गई आवाज, जैसे जोड़ने की कोशिश करिए। मैंने एक बार इसमें कहा था कि जिसको टॉप करना होता अपने कॉलेज में वो आखिरी समय तक तैयारी करता रहता है कि पर्चा के समय खत्म हो गया फिर भी देख ले कहीं एक आध कॉमा पाई ना छूट गई हो, क्योंकि उसको टॉप करना है। जिसको 33% लाना है वो तो रात में गेस्ट पेपर पढ़ेगा, सुबह एग्जाम दे देगा। खैर जुड़ गए हैं नवल जी, कंप्लीट करिए। अरे अरे सर बताइए बताइए, अरे फिर से फिर फ्रीज हो रहा। हाँ नहीं भाई नेटवर्क की समस्या है। राकेश जी आप जवाब दीजिए, भाव समझ गए होंगे, कह रहे हैं कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं अगर आप इतने पॉपुलर इतनी सीटें जीत रहे हैं। तो राकेश जी नहीं नहीं मैं भाव समझ गया, और देखिए कम से कम ये स्वीकारोक्ति सबके सामने अभी नवल जी ने की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत बहुत करते हैं, लगातार 5 वर्ष सक्रिय रहते हैं, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी स्वयं सक्रिय रहती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ समवैचारिक संगठन भी सक्रिय रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर अपना विस्तार लगातार कर रही है। आप देखेंगे तो रोज राज्यों में भी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, और केंद्र स्तर पर भी रोज कोई ना कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमेशा विस्तार अपना कितना ज्यादा ज्यादा किया जा सके, पार्टी विस्तार करने का काम कर रही है। हम अलायंस पार्टनर के तौर पर देखेंगे तो गठबंधन दल को भी हमने लगातार विस्तार करने का काम किया है, कई सारे अलायंस पार्टनर्स को चुनाव आते आते तक लगातार हमने रोज जोड़ने का काम किया है, कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नाम रखने से जोड़ने का थोड़ा होता है, जोड़ना तो प्रवृत्ति है ना, यह रचनात्मक काम है, यह आप कर नहीं पाते हैं, आप केवल विध्वंसात्मक काम करते हैं, हर काम में कमियां निकालना, खोट निकालना। राकेश जी आपने हरियाणा में, अरे सुनो ना राकेश जी, हरियाणा में क्यों छोड़ दिया जेजेपी को, क्यों छोड़ दिया बताइए। नहीं नहीं छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं नहीं, देखिए मैं स्पष्ट है, स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की गाथा को गढ़ने का काम कर रही है उसमें जो आएगा साथ में उसका स्वागत है। और ऐसा क्या बोल दिया जेजेपी वालों ने, दुष्यंत चौटाला ने क्या मांग लिया ऐसा,
नहीं, आप राजस्थान के चुनाव से लेकर के और अभी वर्तमान स्थितियों तक उसका आकलन करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि जेजेपी के साथ क्या क्या चीजें चल रही थी और जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रयास किया है कि अपने साथ लेकर के चले। और अभी भी जेजेपी की जो लीडरशिप है वो ज्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आपको ये चुनाव में आते हुए दिखाई पड़ेगा कि जेजेपी की जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगा वो जनता से खारिज हो जाएगा क्योंकि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है। और इसी कारण से आप देखेंगे, नहीं आप इसका कारण भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन क्षेत्रों में विस्तार किया। अभी एक बार बार नैरेटिव चलाया जा रहा है उसके उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। ये झूठा नैरेटिव है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हो रही है बल्कि और मजबूत हो रही है। कितना झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में और मजबूत हो रही है। आप बताइए, सर्वे आया आज आपके सर्वे में देखिए हिमाचल में कमजोर हो रहे क्या? अभी आपने उत्तराखंड का परिणाम दिखाया नहीं लेकिन मुझे पूरा भरोसा है चंडीगढ़ देखा नहीं आपने? हम दिल्ली में भी मजबूत होते देख रहे हैं। हम दिल्ली में भी मजबूत होते हुए देख रहे हैं। अरे चंडीगढ़ में देखिए आपका सर है। चंडीगढ़ में देखा? अरे चंडीगढ़ में देख गया ना आपका? चंडीगढ़ में देखा ना आपने? इलेक्टोरल बॉन्ड में देख गया ना आपका? हम बिल्कुल छुपाते नहीं है। चंडीगढ़ बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ऐसे राफेल चिल्लाते रहे थे राहुल फेल हो गए गए ना। अरे वो ठीक है, आप मुद्दे नहीं समझ पा रहे। आप जनता के बीच के मुद्दे नहीं समझ पा रहे। आप समझ रहे होते मुद्दा को मुद्दा बना दिए। अच्छा हो गया, दोनों लोगों ने मन की संतुष्टि हो गई होगी मेरे ख्याल में। एक दूसरे को सुना लिया हो गया। अब रुकिए, नवल जी और राकेश जी दोनों लोग रुकिए सर। हिमाचल प्रदेश का भी आंकड़ा हमने दिखा दिया है कि वहाँ भी 4 की 4 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था आप लोगों से कि यूनियन पोल की जो दिशा दिख रही है, जिस तरीके से नंबर्स बदलते हुए दिख रहे हैं, 67% वोट शेयर है हिमाचल प्रदेश में। मैसिव और लीड बढ़ गई है। मेरे ख्याल में जो सीट जीतने का अंतर होगा और बढ़ सकता है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है भी। सुजाता जी, आपके कमेंट बनता है इस पे तो? देखिए, आप कह रहे हैं कि इसमें तो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ ही रहा है, कमाल है ना। ओपिनियन का भी आपने तो गेम बता दिया। और इसीलिए जिस तरीके से 2013 में भी इंडिया शाइनिंग की बड़ी बात हुई और 2013 में नहीं, 2013 में नहीं था, 2013 की बात नहीं कर रही हूँ, 2003 की सॉरी। तो जिस तरीके से 2014 में मोदी जी आए थे, क्या वही वाली सिचुएशन आज 2024 में, ये सोचने की बात है। क्योंकि आज इंडिया जो है वो बहुत सारे सवाल भी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने जो जो गारंटियां दी थी वो जुमले निकले, या कहिए कि जुमलों को बताया और आज गारंटी निकली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला आज सामने आया है, इसके बाद भी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। क्योंकि ओपिनियन का आप एक परसेप्शन तो क्रिएट कर सकते हैं कि लोगों का ये ओपिनियन है, लेकिन अंत में जनता जनार्दन होती है और जनता ही डिसाइड करती है कि किसको चुनना है। इससे किसका संगठन असली में काम कर रहा है, किसका संगठन परसेप्टिवली काम कर रहा है, दोनों चीजों में अंतर है। और जनता उसके साथ जाएगी जिसके ऊपर उनको भरोसा होगा। भले ही आज आपके ओपिनियन पोल में अगर मोदी जी के ऊपर भरोसा है और इंडिविजुअल जो नेता है उन पे भरोसा नहीं है, तो बताइए उनका आपने क्या ओपिनियन लिया कि क्या वो मोदी जी के नाम पर देंगे? अगर आप ऐसा कहेंगे तो भाई ये तो बात झूठ हो जाएगी जो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले। तो अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है और आप देखते जाइए कि हिमाचल में जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश करी गई थी उसका भी खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को तोड़ने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारी जो आप बार बार आप कह रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि एक बार आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, एमपी के काम पर, स्टेट के काम पर, पॉलिसीज पर, हर चीज़ पर सवाल पूछेंगे, नंबर एक। और आपने एक बात कही कि अभी बॉन्ड वाला इशू है, वो 1,000 करोड़ आपको ही मिले हैं, ममता जी को भी मिले हैं और भाजपा को कितने मिले हैं? कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पैसा आपको ही मिला है, पैसा आपको भी मिला है। ऐसा नहीं कि वो बॉन्ड का पैसा आपको नहीं मिला है, इसलिए ये अरे अच्छा लड़ाई इस बात की है कि उनको ज्यादा क्यों, ये नहीं, ये लड़ाई आपकी फेयर है भाई, उनको ज्यादा क्यों दे रहे, मेरे को भी ज्यादा दो, ये तो जायज क्वेश्चन हो सकता है। लड़ाई सिर्फ आप इस बात की लड़ रहे हैं
कि ज्यादा क्यों दिया उनको, हमको भी ज्यादा दो, ये क्वेश्चन तो वैलिड है, ज्यादा क्यों मिला ये क्वेश्चन। अच्छा सुजाता जी, दुरुपयोग किया गया। सुजाता जी उत्तर प्रदेश के नंबर मेरे आपके लोगों के सामने रखने, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, तुरंत उसके बाद आएंगे सीधे यूपी के नंबर आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं।